दोस्तों, आज एक और एम्ब्रॉयडरी मशीन का वीडियो लेके आए हैं, इसका स्पीड और ऑप्शंस के बारे में बताने के लिए। सबसे पहले शुरू करते हैं, जो उंगली का निशान है उसको दबा के, उसके बाद 7 नंबर दबा के, उसके बाद डबल एंटर मार के, सबसे फर्स्ट में जो ऑप्शन है ये है टीबी डिटेक्ट वाला। इसमें अगर एन में रहेगा तो कोई भी हेड सिग्नल नहीं देगा, धागा कटेगा। तो इसको वाई में रखिएगा। ये जो है टीबी बैक स्टिच, ये 7 तक बढ़ता है आपका लास्ट। ये बेसिकली काम में आता है, इसका काम यह होता है कि जब धागा अगर कटेगा तो आप जितना भी डाल के रखिएगा 5 या 7, तो उतना स्टिच बैक हो जाएगा, उतना स्टिच बैक होके चलेगा। पैच काउंट ये एक में ही रहता है। एक्शन आफ्टर पैचिंग, ये स्लो सबसे ज़्यादा यही ऑप्शन में चलता है स्लो, तो इसको स्लो में रखने, स्लो ऑप्शन पे ही रखने का। नो और स्टॉप, 2 ऑप्शन और आता है, तो इसको स्लो में ही रखिएगा, सही रहता है। सेट ऑल हेड्स पैच, ये एन और वाई, एन में रखने से आपका जैसे कि अगर कोई एक हेड में धागा छूट गया है कट के, तो यहाँ आके एन में कर दीजिएगा तो सिंगल हेड ही चलेगा। अगर वाई में करके चलाइएगा तो एक टू चलाना है तो अगर यहाँ पे वाई रहेगा तो पूरा 12 हेड चलेगा। तो यहाँ पे अगर आपको एक टू हेड चलाना है तो जब जैसे कि पैक कीजिएगा पर आपको एक टू हेड चलाना है तो यहाँ पे वाई आके एन कर दीजिएगा। स्टिच नॉट टीबी डिटेक्ट, ये 8 में रहता है ज़्यादातर, ये 15 तक बढ़ता है, तो ये वाला 8 में ही रहने दीजिएगा। कुछ ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि आप 15 में रखना है, इसको 8 में ही रहना चाहिए। टीबी डिटेक्ट वैन जंप, जो इसका नेक्स्ट ऑप्शन है, ये वाई में रहता है। इसका ये अगर एन में रहेगा तो इसको वाई में कर दीजिएगा। स्टॉप आफ्टर टीबी डिटेक्ट एन, ये ऑप्शन बेसिकली सिग्नल में ही यूज होता है। ये अगर वाई रहेगा तो वाई में ऐसा होता है कि आपका मशीन में अगर धागा कटेगा तो सिग्नल देगा, रेड सिर्फ सिग्नल देगा लेकिन मशीन नहीं रुकेगा। तो इसको एन में करके चलाने से सही रहेगा, तब एन में रहेगा तो धागा कटेगा तो सिग्नल मशीन रुक जाएगा। और ये टीबी, ये डिटेक्ट टीबी मोड जो है 1 नंबर में, ये बेसिकली यूटीसी कार्ड जो मशीन में रहता है हेड में, उसका सेंसर पावर बढ़ाने का है। लास्ट 2 तक होता है ये, 2 से 1, 1 से 2। तो जो सेंसर पावर, जब किसी का मशीन में सिग्नल सही से थोड़ा ज़्यादा दूर चला जाता है धागा कट के, तब देता है, तो इसको 2 में कर देने से थोड़ा सेंसर पावर बढ़ जाता है मशीन का, यूटीसी कार्ड का सेंसर पावर। तो इसको मैं अभी 1 में ही कर देता हूँ। और ये स्टिच फॉर फिल्टर टीबी जो है, ये 6 में चलाने से ये वाला 6 तक सही रहता है। नहीं तो अगर ये वाला आप 1 में करके चलाइएगा तो सबसे ज़्यादा सिग्नल देगा, इसमें कटेगा नहीं लेकिन सिग्नल दे के मशीन सबसे ज़्यादा 1 रुकेगा इसमें। तो इसको लास्ट 6 में 6 तक होता है, इसको लास्ट 6 तक ही करके चलाना है आपको। तो और भी बहुत सा ऑप्शन है मशीन में, जो डिज़ाइन काटना, डिज़ाइन जोड़ना, छोटा करना, बड़ा करना, रोटेट करना, और भी बहुत सा ऑप्शन है। वो सब ऑप्शन के बारे में वीडियो में बनाने वाला हूँ। तो सब्सक्राइब करके मेरे चैनल को जुड़े रहिए, आगे भी वीडियो बनाते रहूँगा मैं।